डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, मैथ्स क्लास फाइव, चैप्टर फाइव है एक्सरसाइज 20। लास्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 19 का वीडियो दे चुका हूँ और ये एक्सरसाइज 20 है। आज हम लोग इसको कम्प्लीट कर लेंगे और एक्चुअली इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए हम लोग जल्दी इसको बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स आप जानते होंगे, इसका जो इंट्रोड्यूसिंग वीडियो है चैप्टर फाइव का, उसमें मैं बतला चुका हूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो अभी भी मैं बतला देता हूँ कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका मात्र दो फैक्टर होता है, एक वन होता है और वो खुद एक होता है। तो वैसे नंबर को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। और प्राइम नंबर्स अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको एक बड़ा सा लिस्ट मिलेगा जिसमें प्राइम नंबर सारा दिया हुआ रहता है, 1 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं वो दिया रहता है। तो यहाँ पर ये नंबर्स दिया हुआ है, इसमें से चूज करने के लिए कह रहा है कि इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन सा है, एक ये है 5, और ये किसी के टेबल में आता है इसलिए ये नहीं है, ये किसी के टेबल में नहीं आता है 41, तो इसीलिए ये है। और इसके बाद ये भी 11 के टेबल में आता है, ये 9 9 81 आता है, और 97 ये किसी के टेबल में नहीं आता है। मतलब तीन नंबर्स यहाँ पे प्राइम नंबर है। तो कौन कौन सा नंबर है, 5 41 और 97 97, ये तीन नंबर जो है ये प्राइम नंबर्स है, ये तीन नंबर आंसर है। उसके बाद टू नंबर में क्या कह रहा है, लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20, 10 और 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसको बतलाना है। तो प्राइम नंबर्स इसके बाद 10 के बाद 11 आता है, 11 हो गया प्राइम नंबर, ये 11 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ अपने टेबल में आता है। उसके बाद 12 लेते हैं, 12 तो नहीं होगा, 11 12 13 13 होगा, क्योंकि 13 जो है किसी के टेबल में नहीं आता, ये हो गया। उसके बाद 14 15 16 17 17 भी किसी के टेबल में नहीं आता। उसके बाद 18 19 हो गया 19, उसके बाद 20 आ जाएगा, इसीलिए उससे आगे जाना नहीं है। मतलब ये चार नंबर जो है वो 10 और 20 के बीच में प्राइम नंबर्स हैं, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर विच इज लेस देन। मतलब बड़ा से बड़ा प्राइम नंबर खोजना है लेकिन इससे छोटा होना चाहिए, 21 से नीचे। 21 से नीचे जाएंगे हम लोग तो 20 आएगा, वो प्राइम नंबर नहीं है, 19 आएगा, तो 19 जो है प्राइम नंबर है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 19 हो जाएगा, 19। इसका इन सब का आंसर जो है काफ़ी छोटा छोटा है, इसीलिए मैं इसी पेपर पे दे दे रहा हूँ आप लोगों को। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा पेपर लेने का वहाँ पे पेपर लेके बनाएंगे। और फिर इससे हमको छोटा चाहिए प्राइम नंबर, तो इससे अगर नीचे जाते हैं तो 44 जो होता है वो कंपोजिट नंबर है, तो उससे नीचे 43 एक प्राइम नंबर है, तो 43 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 74 दिया हुआ है, इसके और नीचे जाते हैं तो 73 मिलता है, और 73 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 73 हो जाएगा, 73। उसके बाद 90 दिया हुआ है, तो 90 से नीचे जाएंगे तो 89, और 89 जो है वही प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर ये 89 हो गया, 89 ये प्राइम नंबर हो गया इसका। उसके बाद 100 के नीचे जाएंगे तो 99 होता है, वो तो किसी के टेबल में आता ही है, और 98 भी आएगा, और 97, तो 97 यहाँ पे हम लोग को प्राइम नंबर मिला था 97, तो यही नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 97, ये जो है ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट कंपोजिट नंबर लेस देन। लेस देन मतलब इससे छोटा होना चाहिए, और सबसे बड़ा नंबर लेकिन इससे छोटा। तो प्राइम नंबर का मात्र दो फैक्टर होता है, और दो फैक्टर से ज़्यादा जिसका फैक्टर होता है उसको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। तो ये 23 एक प्राइम नंबर है, इससे ठीक नीचे जाते हैं वैसे मुझे कंपोजिट नंबर मिल जाता है, तो इससे ठीक नीचे मतलब 22, तो इसका आंसर हो जाएगा 22। अब ये तो कंपोजिट नंबर है लेकिन फिर इससे छोटा होना चाहिए, इससे नीचे जाते हैं 48, तो वो एक कंपोजिट नंबर है, तो वही आंसर हो जाएगा 48। उसके बाद 85 पे जाते हैं, हालाँकि ये कंपोजिट नंबर है लेकिन इससे छोटा चाहिए, तो 84 तो कट ही जाता है, 2 से कटेगा, इसीलिए वो एक कंपोजिट नंबर है, 84 ही इसका आंसर हो जाएगा, 84। उसके बाद 71 एक प्राइम नंबर है, तो इससे नीचे जाना होगा, तो 70 जाएंगे तो वो कंपोजिट नंबर है, वही आंसर हो जाएगा, 70 ये हो गया, ये सबका आंसर हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द लिस्ट प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन, मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर लिखना है लेकिन इससे बड़ा होना चाहिए, 11 से बड़ा, तो
इसके बाद जो प्राइम नंबर मिलेगा वही आंसर होगा। तो 11 के बाद 12 जाते हैं, वो प्राइम नंबर नहीं है, 12 13 जाते हैं तो प्राइम नंबर मिल जाता है। मतलब है कि यहाँ पे 13 इसका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 13, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद 24 के आगे चलते हैं, 25 प्राइम नंबर नहीं है, 26 नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 नहीं है, 29 प्राइम नंबर आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 29, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद यहाँ पे बच्चों ने ऑलरेडी इसमें भर दिया था बुक में, तो 39 जो है एक प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, 13 का टेबल में आता है। उसके बाद 40 तो प्राइम नंबर होगा नहीं, और 41 प्राइम नंबर है, तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है 41, और यहाँ पे 80 दिया हुआ है, तो 80 के बाद जो प्राइम नंबर हमको मिलता है तो 81 नहीं है, क्योंकि 9 9 81 होता है, 82 वो तो इवन नंबर है 82, इसीलिए वो तो होगा नहीं, और 83 एक प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 83। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, द स्मॉलेस्ट नेम द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर चाहिए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हम 1 से काउंटिंग शुरू करते हैं, 1, तो 1 जो होता है ना प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर, उसको यूनिक नंबर बोला जाता है। तो फर्स्ट में 2 मिलता है, 2 का 2 ही फैक्टर होता है, तो 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो मतलब इसका आंसर ए में 2 हो जाएगा यहाँ पे। और कंपोजिट, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, तो 3 में जाते हैं, 3 एक प्राइम नंबर है और 4 जो है कंपोजिट नंबर, वहाँ से शुरू होता है, इसका मतलब है कि इसका आंसर 4 होगा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, राइट द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 21 एंड 27, तो 21 और 27 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो 27 से हम लोग नीचे जाते हैं, 21 से नीचे नहीं जाना है, 21 से ऊपर और 27 से नीचे, तो 27 से नीचे 26 प्राइम नंबर नहीं है, 25 प्राइम नंबर नहीं है, 24 प्राइम नंबर नहीं है, 23 प्राइम नंबर है, इसका मतलब है कि 23 ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा 23, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद राइट ए पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, दो ऐसे प्राइम नंबर लेना है जिसका डिफरेंस 2 हो, तो ऐसे कई सारे पेयर होते हैं, उसमें से एक पेयर मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको पेयर दे दे रहा हूँ, यहाँ पे 3 एक प्राइम नंबर है और 5 एक प्राइम नंबर है, इन दोनों को अगर डिफरेंस किया जाए, माइनस किया जाए इन दोनों में, तो 2 आएगा, तो इसी को बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। इसके अलावा और भी ले सकते हैं, 5 है और 7 है, आपको एक ही आंसर मांगा गया है, आप किसी एक को लिख सकते हैं, लेकिन मैं 2-3 एग्जांपल दे दे रहा हूँ, यहाँ पे ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। उसके बाद और भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं और 13 ले सकते हैं, ये दोनों ही प्राइम नंबर है, और इन दोनों को अगर माइनस किया जाए तो 2 आएगा। इसके अलावा और भी ले सकते हैं, और 17 ले सकते हैं और 19 ले सकते हैं, ये दोनों प्राइम नंबर है और इन दोनों का डिफरेंस 2 होता है, तो इतना सारा एग्जांपल्स मैंने दे दिया, इसमें से आप कुछ भी एक तो लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला हुआ है, तो ये कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो इसका पहचानने का सिंपल सा नियम है, जितने भी फैक्टराइजेशन नंबर लिखा हुआ है वो नंबर्स जो है प्राइम नंबर होना चाहिए, कंपोजिट नंबर उसके अंदर एक भी नहीं आना चाहिए। अगर किसी फैक्टराइजेशन नंबर में कंपोजिट नंबर आया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो सही नहीं है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये है 5 आया हुआ है और 7 आया, ये दोनों ही प्राइम नंबर, मतलब है कि ये सही है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन सही किया हुआ है। और यहाँ पे बी नंबर में इसका 2 3 और 9 एक कंपोजिट नंबर है, 9 कंपोजिट नंबर है, ये सही नहीं है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा गलत। उसके बाद सी नंबर में 2 3 और 19, तो ये तीनों नंबर जो है प्राइम नंबर, इसका मतलब है कि ये सही है। 124 यहाँ पे 2 2, ये दोनों प्राइम नंबर है और 31 भी प्राइम नंबर है, इसका मतलब है कि ये सही है, तो ये सही हो गया। और यहाँ पे ई नंबर में देख रहे हैं 2 2 और 3, ये तीनों प्राइम नंबर, लेकिन 15 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, इसीलिए ये सही नहीं है, कंपोजिट नंबर होना नहीं चाहिए। यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे देख रहे हैं 2 2, ये तो प्राइम नंबर है लेकिन 4 जो है एक कंपोजिट नंबर, इसीलिए ये सही नहीं है, तो इसको गलत कर देते हैं। इस तरह से हम लोग पता करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से किसका सही निकला हुआ है।
अब यहाँ पे 10 नंबर में आ जाते हैं और यहाँ पे पूछ बोल रहा है कि राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये जो नंबर्स है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए कह रहा है, इस तरह से निकालने के लिए कह रहा है। इसको एक्चुअली बनाया जाता है और बना के इसको दिखाया जाता है। और यहाँ पे 11 नंबर में फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होता है वो 100 होता है, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। जैसे कि इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे निकलेगा तो इसका भी 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो इसको हम लोगों को निकालने के लिए पेपर पे निकालना होगा। तो चलिए एक पेपर ले लेते हैं और इसको निकालना शुरू करते हैं। यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और इसका ए नंबर लेते हैं। ए नंबर में क्या दिया हुआ है, 36 ले लेते हैं और इसको फैक्टराइजेशन इस तरह से करते हैं। सबसे पहले इसका अगर छोटा नंबर से जाता है तो सबसे पहले हम छोटा नंबर का यूज़ करते हैं और सारे प्राइम नंबर जो होते हैं उसी को यूज़ करना है। तो 2 से तो ये कट रहा है, ये कितना हो गया, 18 दोनों 36 होता है, तो 18 से इसको काट दिए। फिर 2 से ये कट रहा है, 9 दोनों 18 कट गया, और ये 2 से अब जाने वाला नहीं है, तो ये 3 3 9 3 से जाएगा, कट गया। तो यहाँ पे हम लोग 36 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3, ये हो गया कम्प्लीट, ये आंसर हो गया इसका। उसके बाद बी नंबर ले लेते हैं। बी नंबर में क्या दिया हुआ है, 48, तो ये भी 2 से कट रहा है, 24 × 2 = 48 और फिर 2, 12 × 2 = 24 हो गया, फिर 2 से जा रहा है, 6 × 2 = 12 और फिर 2 से जा रहा है, इसका मतलब ये 3 से गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 48 का फैक्टराइजेशन तो 4 × 2 हो गया, 1 × 2 = 3 × 4 और 1 × 3 हो गया 3, ये इसका हो गया फैक्टराइजेशन। अब लेते हैं सी नंबर। सी यहाँ पे दिया हुआ है 84, तो इसको 2 से तो जा रहा है, 2 × 4 = 8 और 2 × 2 = 4, फिर 2 से जा रहा है, 21 × 2 = 42 होता है, अब 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, 7 × 21, इसके आगे जाने वाला नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर खुद है। तो यहाँ पे 84 का फैक्टराइजेशन हो गया 2 × 2 × 3 × 7, ये इसका आंसर हो गया। सी के बाद डी नंबर। डी में 120 दिया हुआ है, तो ये 2 से जाएगा, 60 × 2 = 120 होता है, 60 हो गया, फिर 2 से 30 × 2 = 60, तो ये हो गया और ये हो गया, 2 से फिर जाएगा, 15 × 2 = 30 होता है, और 3 से जाएगा, 3 × 5 = 15, ये हो गया, इसके बाद नहीं जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया। 120 का फैक्टराइजेशन हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ई नंबर, ई नंबर में दिया हुआ है 356, तो यहाँ पे ई नंबर ले लेते हैं, ई 356, तो ये 2 से कटेगा, 2 2 1 = 2 और यहाँ पे 1 बच गया, तो 15 हो गया, 2 7 = 14 फिर 1 बच गया, 2 8 = 16 कट गया, फिर ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, यहाँ पे इवन नंबर है इसलिए 2 से ये कटेगा, तो यहाँ पे 16 हो गया, 2 8 = 16 फिर 1 बच गया, 2 9 = 18, तो यहाँ पे अब जाने वाला नहीं है, ऑलरेडी ये 89 जो है एक प्राइम नंबर है, तो इसीलिए 356 का फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 89, ये इसका आंसर हो जाएगा, हो गया। उसके बाद एफ नंबर। एफ नंबर में क्या दिया हुआ है, 840, तो ये 2 से तो कट ही रहा है, 2 से ले लेते हैं, 2 × 4 = 8 और 2 × 2 = 4, 0 रह गया, फिर यहाँ पे 2 से ये कट रहा है, 21 × 2 = 42, 21 लिख लेते हैं, ये 0 यहाँ रख लेते हैं, और फिर यहाँ पे 2 से कटेगा, 210 के आधा कितना हो गया, 105, ये हो गया, और इसके बाद 2 से नहीं जाएगा, 5 और 16 मतलब 3 से जा रहा है, 3 3 3 = 9 हो गया, यहाँ से 9 खत्म हो गया तो 1 बच गया, 3 5 = 15, ये हो गया। इसके बाद ये 3 से तो जाने वाला नहीं है, ये जाएगा 5 से 5 7 = 35, तो ये प्राइम नंबर आ गया, इसका मतलब है कि ये और नहीं जाएगा। तो 840 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 5
इंटू सेवन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, हो गया कंप्लीट। अब एफ जी एच और दो दिया हुआ है, तो यहाँ पे जी जी में दिया हुआ है 720, तो यहाँ टू से तो जा ही रहा है, टू टू थ्री जा सिक्स, थ्री से कट गया, यहाँ पे वन बच गया, तो टू सिक्स जा ट्वेल्व हो गया और ये जीरो। फिर ये टू से जाएगा, टू से तो अठारह दोनों छत्तीस होता है और ये जीरो यहाँ पे रख लेते हैं। फिर टू से जाएगा, नाइन टू जा एटीन होता है, तो यहाँ पे जीरो हो गया नाइन्टी। और फिर टू से ये जाएगा, पैंतालीस दुना नब्बे होता है फोर्टी फाइव, और अब नहीं जाएगा ये टू से, तो ये थ्री से जाएगा, थ्री कितने बार में गया पंद्रह, पंद्रह तो ये पैंतालीस, ये पंद्रह, और अब जाएगा थ्री से, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 720, 720 का फैक्टराइजेशन हो गया, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, चार ठो दो हो गया वन टू थ्री फोर, और दो ठो तीन हो गया, थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव, ये हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। अब लास्ट बच गया एच, तो एच नंबर में क्या दिया हुआ है, एच 980, तो ये टू से कटने वाला है, टू टू फोर जा एट हो गया और यहाँ पे वन बच गया, तो वन और यहाँ पे एट, तो नाइन टू जा एटीन, नाइन हो गया और ये जीरो रह गया। अब यहाँ पे टू से तो ये जाएगा ही, टू टू जा फोर हो गया और टू फोर जा एट, यहाँ पे बच गया वन, तो टू फाइव जा टेन, और यहाँ पे टू से ये जाने वाला नहीं है, तो ये टू से नहीं जाएगा लेकिन फाइव से जाएगा, ये फाइव से, ये फिर थ्री से जा रहा है, नाइन टू एलेवन, नहीं थ्री से नहीं जाएगा फाइव से जाएगा, फाइव से ले जाते हैं इसको, फाइव फाइव फोर जा ट्वेंटी हो गया और यहाँ पे फोर्टी फाइव हो गया, फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव, और अब ये फाइव से भी नहीं जाएगा, सेवन से जाएगा, सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन, प्राइम नंबर आ गया, इससे आगे ये जाने वाला नहीं है, तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 980 का फैक्टराइजेशन टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू सेवन इंटू सेवन, तो यहाँ पे ये समाप्त हो जाता है क्वेश्चन नंबर टेन। अब क्वेश्चन नंबर एलेवन सिर्फ एक तो बचा हुआ है, 100 का फैक्टराइजेशन करना है, ये ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर एलेवन, और यहाँ पे 100 का फैक्टराइजेशन करना है, तो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर जो होता है वो 100 होता है, तो इसका फैक्टराइजेशन करना है, टू से तो जाएगा ही, 100 का आधा 50 हो गया, और फिर टू से जाएगा 25, और अब टू से नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा, फाइव से जाएगा, फाइव फाइव जा 25, तो ये जो है प्राइम नंबर आ गया, अब जाने वाला नहीं है, तो यहाँ पे 100 का फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, कितना हो गया, टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू फाइव, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और इसी के साथ एक्सरसाइज 20 समाप्त हो जाता है, इसके आगे एक्सरसाइज 21 है, तो इसके आगे वाला वीडियो में मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन दे दूंगा। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके अगले एक्सरसाइज को बनाने के लिए हम लोग इसके अगले वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।